क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस कंफ्यूज हूं। क्यों? मैंने सुना था पति पत्नी और वो, यहाँ तो दो आदमी हैं और तुम हो, क्या चल रहा है? ये कैसा बेहुदा सवाल है? तुम्हें तो पहले से ही पता था कि मुकेश मेरा हस्बैंड है। बात वो नहीं है, सच बोलूं तो तुमने मुझे सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए अपने साथ रखा। मुकेश में मुझे कोई खोट कोई कमी नजर नहीं आती, वो तो बस एक अच्छा और घरेलू इंसान है। और मैं एक है ना? तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। एक सेकेंड, ये देखो, ये पैंटी मेरी नहीं है, ये पैंटी मुझे मेरे पति देव के बैग से मिली है। और ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसके बारे में तुम पता करोगे ताकि मैं मुकेश को डिवोर्स दे सकूं और तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकूं। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। मेरी नहीं, हमारी। तुम भी तो मेरे साथ रहना चाहते हो ना? हाँ चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? अब ये पैंटी तो मिल गई है ना, तो मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड को घर जरूर बुलाएगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनका एक वीडियो बनाना है, और वो कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। निक्की, मुझे डर लग रहा है यार, तुम मुझसे क्या क्या करा रही हो? मैं क्या क्या करवा रही हूँ? तुम्हें ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है ये तुम्हें नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मेरे पर एहसान कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा और अपना रिलेशन आज ही खत्म करती हूँ। अरे यार तुम खामखा भड़क जाती हो। मुझे 100% भरोसा है कि मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि मैंने उसको बता के रखा है कि मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। अगर वो नहीं आया तो? नहीं आया तो नहीं आया, तुम्हें यहाँ थोड़ी देर खड़े रहने से क्या जा रहा है? तुम्हारे कौन से पैसे लग रहे हैं? तुम्हें सिर्फ अपने आप को इस कर्टेन से छुपाना है। अश्विन, आई वॉन्ट एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। मैं जा रही हूँ। यही ना कि मेरे पति मुकेश और तुम्हारे शारीरिक संबंध रहे हैं, और वैसे भी दिन तो मेरे ही रहे हैं और हमेशा से रात तुम्हारी रही है। ये क्या बोल रहे हो तुम? यही जो पूरा सोसाइटी बोलता है। 70mm की वीडियो दिखाऊं क्या? मुझसे ये मत पूछना कि ये वीडियो मुझे कहां से मिली, क्योंकि ये कहना बहुत बोरिंग हो जाएगा। सुपर हिट ही तो ये है, पूरा हाउसफुल। अब तुम चाहती हो इसको मैं ऑल इंडिया रिलीज करूं और मुकेश मुझे इस काम के लिए शाबाशी दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये हम दोनों का ही काम है, लोगों को अपने टांगों के बीच में फंसाना, जिसे तुम फंस गई हो। पर मुझे तो लगता है मुकेश बहुत प्यार करता था मेरे से, और मैं भी करती हूँ प्यार। हकीकत यह है कि वो मुझसे भी प्यार नहीं करता है, और वैसे भी हम दोनों को तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही प्यार है। और मुकेश तुम्हारे साथ क्या क्या करता है ये सब कुछ मुझे पता है। हर चीज का एक वक्त होता है, और वो वक्त अभी आगे है। क्या चाहती हो तुम? पैसा,
वरना ऑल इंडिया रिलीज।